डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प एंड स्माइल विद नीरज जोशी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं हूँ हल्द्वानी में, हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र जो सुशीला तिवारी के पास है। आज मैं आपको वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में जो प्रजातियों को संरक्षित करके रखा गया है उन प्रजातियों को दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। रामायण वाटिका में यह बताया गया है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास में गए 14 वर्ष के लिए, तो उस दौरान वो जिन वनों से होकर गुजरे वहां पर होने वाली प्रमुख वनस्पतियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और उन वृक्षों को संरक्षित करके यहाँ पर रखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, यह है रामायण वाटिका। रामायण वाटिका में जब श्री रामचंद्र जी वनों से होकर गुजरे, जैसे चित्रकूट से होकर गुजरे, तो वहां पर होने वाले प्रमुख वृक्षों के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है वनवास के प्रथम भाग में ऋषि भरद्वाज के विमर्श के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट, जिसका अर्थ है अनेक आश्चर्यों वाली पहाड़ी, के वनों में विश्राम किया था। अब इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसके मुख्य वृक्ष बताता हूँ। आम, नीम, बांस, कंटकारी, असन और शोनक और तथा ब्राह्मी, ये सारे वृक्ष वहाँ पर थे। और उसके बाद है दंडकारण्य, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष थे तो वो बताया भी गया है और उन वृक्षों को संरक्षित करके भी यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही सुंदर जगह है वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी तुलसी वाटिका। सबरी, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे तो उनकी भेंट सबरी नामक एक गरीब आदिवासी स्त्री से हुई जो श्री रामचंद्र जी की परम भक्त थी। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बेर खाने के लिए दिए थे। आप देख सकते हैं, यह है बेर का वृक्ष किष्किंधा। किष्किंधा में कौन कौन से वृक्ष थे? मालती, मल्लिका तथा कमल पुष्प की प्रजातियां वहां पर थी। ये सारे वृक्ष यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। बाघों का संरक्षण महाभारत काल में, इसमें लिखा गया है कि यदि वन नहीं तो बाघ मारा जाता है और बाघ नहीं तो वन नष्ट हो जाता है, अतः बाघ वन की रक्षा करता है और वन बाघ की रक्षा करता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण वृक्ष और ये सारा कुछ इसमें दिया गया है, इस बोर्ड में लिखा गया है, आप पढ़िए इसको गौर से। लक्षद्वीप का राज्य वृक्ष, तमिलनाडु का राज्य वृक्ष, स्टेट ट्री भी यहाँ पर कंजर्व करके रखे गए हैं। सभी को लिस्टिंग करके अलग अलग जगह पर उन वृक्षों को रोपित भी किया गया है। यह है बुद्ध वाटिका। मेरे उत्तर
रे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की दसमूल उद्यान, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। काफी सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं पेड़ पौधों को संरक्षित किया हुआ है ताकि संस्कृति भी बचाई जा सके और जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सके। यह भीष्म पितामह जो बाणों की संख्या पर लेटे हुए हैं। वन अनुसंधान केंद्र को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को संरक्षित करके रखा गया है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यह है कमल टैंक। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोटस यानी कमल खिले हैं, देखिए आप विभिन्न कलर। बहुत ही सुंदर तरीके से यह है बुद्ध वाटिका, पीछे महात्मा बुद्ध भी हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल, घास, पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की गई है पूरी, जो मन को मोह रही है। और बहुत सुंदर स्थान है, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा सा लोटस है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर कमल के फूल खिले हुए हैं।